हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। गलती कर दिया भाई मैंने इस पर्टिकुलर मूवी को तेलुगु लैंग्वेज में देखकर। रीजन यही था कि सुबह का सबसे पहला शो देखना था, लेकिन मेरे घर से करीब ऐसा कोई भी थिएटर नहीं था जहां पर 7 बजे से पहले कोई शो बिल्कुल भी नहीं है। और जितने भी हिंदी शोज है मुंबई में वो 7 बजे से ही स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन तेलुगु लैंग्वेज का शो मुझे 5:45 का मिला। अब वो शो देखने तो गया था, लेकिन वहां पर जो अन्ना ऑडियंस थी वो जो चिल्ला पुकार मचा रही थी, और एक अन्ना तो बाजू में ऐसा लग रहा था कि मुंह में लाउड स्पीकर लेके बैठा हो। लिटरली वो मुझे इतना इरिटेट कर रहा था ना कि मैं उसको कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मालूम है ना, अन्ना लोग तो बोले मैं लुंगी उठाएगी तुमको डिस्को दिखाएगी, अब सुबह सुबह किसको डिस्को देखना है। लेकिन मूवी स्टार्ट होने के कुछ ही देर बाद ऑडियंस गई भाड़ में। जिस लेवल का सिनेमेटिक एक्सपीरियंस मैंने फील किया ना, अगर आप लोग भी इस पर्टिकुलर मूवी को देखोगे तो बस वही फील होगा यार। ऐसे साजा मौली सर कोई भी मौका नहीं छोड़ते अपनी मूवी को एक बड़ा ग्रैंड बताने के लिए। उनकी इमेजिनेशन थी जिसको उन्होंने पर्दे पर उतारा है ना, हर एक सीन मानो वो आपका कॉलर पकड़ कर छूट चमाटे मार रहे हैं। हर थोड़ी देर में एक ऐसा मोमेंट है जो आपको पूरी तरह से हिला देगा। मूवी की कहानी सेट है 1920s में, जहां पर अंग्रेजों का बहुत ही तगड़ा हुकूमत थी। अब ऐसे में ब्रिटिश ऑफिसर्स एक लड़की को जो कि तेलंगाना की एक ट्राइब की होती है उसे अपने साथ एज अ स्लेव लेकर चले जाते हैं, लेकिन उसी ट्राइब के होते एंटीआर यानी कि भीम जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि किसी भी हाल में उस लड़की को वो वापस लेके आएंगे। अब ऐसे में कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उनका सामना होता है रामचरण यानी कि राम से, जो कि एक ब्रिटिश कॉप है। अब राम के अपने कुछ गोल से, लेकिन ऐसे में भीम राम का सामना कैसे करेंगे और राम का वो कौन सा गोल है, उसके बाद भीम और राम क्या एक साथ होंगे अंग्रेजों के खिलाफ, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये RRR। मूवी में पैसा वसूल होगा NTR की एंट्री पे, वो सीन मेरे 450 रुपये वसूल हो गए। क्या कैमरा मूवमेंट है, वो क्या भागा है भाई NTR वहां पर, और जिस तरीके से वो सीजा यहाँ पर बताया टाइगर का, लिटरली बहुत कम ऐसी इंडियन मूवी जहाँ पर टाइगर का सीजा इतनी अच्छी तरह से देखने को मिले, और इस पर्टिकुलर मूवी में लिटरली वो सारी चीजें देखने को मिली है। उसके अलावा रामचरण की एंट्री, दोनों ही एंट्री मूवी का फर्स्ट हाफ आपका दिल जीत लेगा। दिस मूवी इज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप, लव, कमिटमेंट टुवर्ड्स फैमिली एंड ट्राइब्स। और एक चीज जो मुझे मूवी की बहुत अच्छी लगी कि SS राजामौली सर ने खुद कहा, इस मूवी की जो कहानी है वो फिक्शनल है, मगर जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया ना कि एक सेकेंड के लिए भी आपको ये नहीं लगता कि भाई कहानी फिक्शनल है। हालांकि उन्होंने उन फ्रीडम फाइटर्स का नाम यूज किया है, लेकिन उनके स्ट्रगल को नहीं बताया, बट लेकिन उस नाम की इज्जत रखी इस पर्टिकुलर मूवी में, जो कि देखकर दिल को बहुत सुकून हुआ। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो भीम के अंदर का इमोशंस, उसके अंदर के पेट्रियोटिज्म, फ्रेंडशिप आपके आंखों में आंसू लेके आ जाएगी। और अगर राम के कैरेक्टर की बात करें तो जो वेरिएशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन उसके कैरेक्टर में है ना, वो आपको लिटरली शॉक कर देगा। दूसरे कैरेक्टर्स उनको भी बहुत अच्छी तरह से लिखा इस मूवी में। मूवी की सिनेमेटोग्राफी आउट ऑफ दी वर्ल्ड है भाई, यानी मुझे बहुत ही सिंपल लगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया ना, वो बताया था कि वो कितने मास्टरपीस डायरेक्टर है। मूवी का BGM सोल है, जान है, इमोशन फील कराता है, वो थ्रिल फील कराता है, वो एक अजीब तरह की रोंगटे खड़े करता है, और इसका BGM लिटरली हर दूसरे सीन में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। अजय देवगन और आलिया भट्ट की बात करें तो अजय सर का जो रोल है वो आपको सरप्राइज करेगा, लेकिन बस वो सरप्राइज तक ही रहेंगे, उसके आगे वो आपको नजर नहीं आते, बस एक्सटेंडेड कैमियो भर का है, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया। बट एट द एंड आपको समझ में आता है कि उनको एज एन हिंदी ऑडियंस के लिए ही रखा गया। आलिया भट्ट जो कि काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगी और वो अपने रोल में बहुत ज्यादा सूटेबल लगी। एक्शन सीन्स की बात करो तो भाई, चाहे वो इंटरवल से पहले के हो या इंटरवल के बाद के हो, क्या वेल कोरियोग्राफ किया है, क्या शूट किया है यार, मतलब कम हुए रहेगा। एंड सॉन्ग्स के लिए तो इतना बोलूंगा कि वेरी वेल रिटन, वेरी वेल कोरियोग्राफ एंड परफेक्टली शूट, बड़े लेवल पे सॉन्ग्स को शूट किया है। मूवी के अगर माइनस पॉइंट की बात करो तो भाई सेकंड हाफ मुझे काफी ज्यादा डल लगा, मतलब स्टार्टिंग का पोर्शन डल लगा, लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी उसके बाद वो आप वो जो डल मोमेंट है वो पूरी तरह से भूल जाते हो। ओवरऑल पूरी टीम की मेहनत आपको इस मूवी में नजर आती है, और डेफिनेटली ये मूवी आपको एक बार जाके देखना चाहिए कि इस लेवल की मूवीज भी हमारे इंडियन सिनेमा में बनती है। मैं इस पर्टिकुलर मूवी की रेटिंग दूंगा 9 out of 10। 1 पॉइंट इसलिए माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी की जो स्टोरी है वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन जिस तरह से प्रेजेंट किया वो उस खामियों को दूर करता है, लेकिन फिर भी स्टोरी आउटस्टैंडिंग नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।